बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुतद्दिद पुलिस अफसरान के तकर्रर तबादले कर दिए हैं। 7 एएसपीज को नई पोस्टिंग दे दी गई है। 7 एएसपीज को फ्रंटियर कांस्टेबलरी के लिए पंजाब से रिलीव किया गया। सईदा शहरबानो को एएसपी डिफेंस सर्कल तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद शाहरुख खान एएसपी गुलबर्ग तैनात है। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में जो है वो एएसपी के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। जिन एएसपी के तबादले किए गए हैं इनमें जो है वो 7 एएसपी को जो है वो इस हवाले से नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि 17 को 80 के लिए जो है वो पंजाब से रिलीव किया गया है। जिन एएसपी को पंजाब में जो है वो नई पोस्टिंग दी गई है इनमें जो है वो सईदा शहरबानो को एएसपी डिफेंस सर्कल तैनात किया गया है, मोहम्मद शरफ खां को एएसपी गुलबर्ग की फील्ड पर तैनात किया गया, साद फरीदी को एएसपी ऑपरेशन मार्टन तैनात किया गया है, आसमान अजीज को एएसपी ऑपरेशन शादरा तैनात किया गया है, इसके अलावा अहमद रसुल्ला मलिक को एएसपी ऑपरेशन चुंग तैनात किया गया है, अनम शेर को एएसपी सिटी सरगोधा की सीट पर तैनात किया गया है, जैनब अयूब को एएसपी सिटी कमालिया टोबाटेक सिंह तैनात किया गया है। इसके अलावा 17 एएसपी ऐसे हैं जिनको जो है वो एफसी के लिए पंजाब से जो है वो रिलीव किया गया है। सेक्रेटरी जो है वो पंजाब हुकूमत ने इनका जो है वो पंजाब पुलिस से रिलीविंग का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन एएसपी को जो है वो पंजाब से रिलीव किया गया है इनमें एएसपी ऑपरेशन रायवंड आमर शौकत, एएसपी ऑपरेशन गुलबर्ग मोहम्मद रजा, एएसपी ऑपरेशन चूंग कमाल मुश्ताक, इसके अलावा एएसपी ऑपरेशन डिफेंस तारिक महमूद, एएसपी ऑपरेशन शादरा असानुल्ला, इसके अलावा एएसपी ऑपरेशन अलका शाजिया साग और एएसपी ऑपरेशन माल्टन रिजवाना मलिक समेत दीगर जो है वो 17 एएसपी शामिल हैं जिनको एफसी के लिए पंजाब से रिलीव किया गया है। जिन एएसपी का पंजाब में जो है वो नई तैनाती की गई है इनको आईजी पंजाब ने फौरी अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबू जरशाद पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के डायरेक्टर मुंतखब, ताजर बरादरी का पंजाब हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। मियां अबू जरशाद का कहना है कि सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए काम करेंगे, पंजाब में सरमायाकारी के लिए ठोस और काबिल अमल तजवीज़ दी जाएंगी। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां अबू जरशाद को पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के बोर्ड डायरेक्टर का जो है वो इंतखाब कर लिया गया, और इस हवाले से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वजीर और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस पर सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद का कहना है कि पंजाब में सरमायाकारी के फरोग के लिए ठोस इकदाम और काबिल अमल तजावीज़ दी जाएंगी। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की फालियत में इजाफा मेरा हदफ होगा, मुआशी बहाली के लिए सरमायाकारी में इजाफा नागुजीर हो चुका है, जबकि पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की फालियत में इजाफा जो है वो किया जाएगा ताकि पंजाब में सरमायाकारी के साथ सनती फरोग और तजारती सरगर्मियों को बढ़ाया जा सके। ताजर बरादरी की जानी से पंजाब हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया गया, और सादिक सदूर लाहौर चैम्बर मियां अंजुम निसार और मोहम्मद अली मियां की जानिब से मुबारकबाद दी गई है, जबकि चेयरमैन पाइनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली असाम असगर और चेयरमैन प्याब फहीमुर रहमान सैंडगल समेत बिजनेस कम्युनिटी ने जो है वो पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर सदर लाहौर को नामजद करने पर जो है वो खैर मकदम किया, और उनका यह कहना है कि इससे ना सिर्फ पंजाब में मुआशी सरगर्मियां जो है वो बेहतर होंगी बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो है शमूलियत भी जो है वो यकीनी बनाई जा सकेगी। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। पंजाब में अद्वियात की कीमतों का बहरान, वज़ीर आला के हिदायत पर अद्वियात की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर चेकिंग शुरू। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि अद्वियात के पुराने स्टॉक की कीमतों में इजाफा हर सूरत रोकेंगे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में अद्वियात की किल्लत और कीमतों में इजाफे का मामला, वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात की किल्लत कीमतों में इजाफे पर चेकिंग शुरू। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का अद्वियात के बहरान पर सख्त एक्शन लेने का फैसला, लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स को कार्रवाई के लिए हिदायत जारी कर दी गयी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बताया, वज़ीर आला पंजाब को लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतों में इजाफे पर सख्त तशवीश है, अद्वियात के पुराने स्टॉक की कीमतों में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है, इसे हर सूरत रोकेंगे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मजीद कहा कि सर्वे के दौरान 73 अद्वियात की कीमतों में इजाफा पाया गया, मार्केटों में अद्वियात की किल्लत से मुतालिक सर्विलेंस शुरू कर दी है। खबर दें आपको, सरकारी इदादोशुमार महंगाई में कमी का बता रहे हैं, लेकिन मार्केट में अशय खरोनोश की खरीदारी आसान नहीं। प्याज 180 और टमाटर 200 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं।
ब्रायलर गोश्त के नर्ख भी नीचे ना आए, रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। मार्केट में महंगाई के डेरे बरकरार, टमाटर की कीमत में 35 रुपए का बड़ा इजाफा, सरकारी नर्ख 170 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 200 से 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे। प्याज का सरकारी नर्ख बदस्तूर 150 रुपए फी किलो है। मार्केट में प्याज 180 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। आलू 2 रुपए इजाफे से 85 रुपए फी किलो हो गए। मार्केट में आलू 90 से 100 रुपए फी किलो तक मिल रहे। मार्केट में लहसुन 700, अदरक चाइना 900 रुपए फी किलो तक है। बंद गोभी 180, फूल गोभी 120, टींडे 220 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 595 रुपए बरकरार है, जबकि फार्मी अंडे बदस्तूर 291 रुपए फी दर्जन है। अवाम कहते हैं अब तो महंगाई की आदत सी हो गई है, लगता है इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। आज भी आप देखें प्याज 200 रुपए किलो है, ठीक है। ये एक जमाना होता था जब मैं सब्जी लेने आता था या फल खरीदने आता था ना, तो ये सारा सामान फल सब्जी ये वो 1500-2000 में आ जाता था। सब्जी वगैरह जो है ना वो अपने उसी जगह पे स्टील हैं, वो नीचे नहीं आई। ये कहने गया कि ये नीचे आ गई है, कोई चीज़ नीचे है, कंट्रोल प्राइस नहीं है यहाँ पे। मार्केट जराए के मुताबिक चंद हफ्तों में मौसमी सब्जियां वाफर होंगी तो सब्जियों के नरखों में कमी मुतवक्के है, ताहम सब्ज मसाला जात की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान नहीं। ब्रायलर गोश्त 600 रुपए फी किलो के करीब रहने का ही इम्कान है। वहदत कॉलोनी का मॉडल बाजार आवाम को मुकम्मल रिलीफ देने में नाकाम। फल सब्जी कपड़े और दीगर अशिया की फरावानी, खवातीन की ज्यादातर दिलचस्पी कॉस्मेटिक्स खरीदारी में रही। महंगाई के गिले शिकवे बदस्तूर कायम रहे, ये रिपोर्ट देखिए। सस्ती अशियाए खुरनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वहदत कॉलोनी के मॉडल बाज़ार में मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन का रश रहा। छुट्टी के रोज़ खवातीन की बड़ी तादाद मॉडल बाज़ार पहुंची। खवातीन का कहना है दीगर अशिया तो अपनी जगह, कम कीमत में अच्छा मेकअप मिलना खुशी की बात है। मोस्टली लोग बाज़ारों से भी लेते हैं लेकिन यहाँ पर भी मुनासिब रेट है और अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छी क्वालिटी है। जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रांड के तो वो यहाँ से ये चीज़ें यूज करते हैं। फलों सब्जियों के मयार और कीमत पर शहरी नाखुश नजर आए। इसमें क्वालिटी कोई 10 चीज़ों में से 1-2 की अच्छी होगी, बाकी सब नॉर्मल होती है। बाजार का रेट थोड़ा सा फर्क है, 5-10 रुपए का इसमें बस, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मॉडल बाजार आए लोगों ने आला हुकाम से अशिया की कीमतों को मजीद कम करने और मयार को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। वहदत रोड पर इतवार बाजार के सामने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का कैंप लगाया गया है। अवाम को रिलीफ कैंप और रैली में शिरकत की दावत दी जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी का हक तो फलस्तीन के मजलूम अवाम को वहदत कॉलोनी इतवार बाजार में कैंप। अहमद सलमान बलोच की अहले इलाका को 7 अक्टूबर को दिन 12 बजे कैंप में शिरकत की दावत। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए वहदत रोड पर रैली निकाली जाएगी। रहनुमा जमात इस्लामी ने इतवार बाजार में मौजूद शहरियों को फलस्तीनी परचम मुहैया किए। इस मौके पर अहमद सलमान बलोच का कहना था 7 अक्टूबर को पूरी दुनिया इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज होगी। लाहौर ये भी अपने घरों, दफातर और स्कूल कॉलेजेस से बाहर निकलकर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करें। जहां पर पूरा पाकिस्तान यकजहती करता नजर आएगा, हमने यही अपील की है कि हमने झंडे भी दिए, किताबचे भी दिए, इसी हवाले से है कि लोग जो है कि इजहार यकजहती करते हुए अपने घरों से निकलें, स्कूल कॉलेजेस से निकलें, दफातर से निकलें और ठीक 12 बजे इजहार यकजहती करें। शहरियों का कहना है मसला फलस्तीन पर दो टोक मौकफ के साथ अमली तौर पर भी कुछ करने की जरूरत है। पूरा पाकिस्तान सड़कों पे निकलेगा, मजलूम फलस्तीनी मुजाहिदों से, मजलूम फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करेगा, इस हवाले से इजहार यकजहती करेगा कि हम उनकी जिद्दोजहद में उनके साथ हैं। मसला फलस्तीन उम्मते मुस्लिमा का मसला है। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए सियासी इख्तलाफ भुला कर सब एक पेज पर हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। और अब खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि लाहौर में धूप और छाओं का खेल जारी है। गुज़िश्ता रात की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। हवा में खुनकी ने मौसम में तब्दीली की नवीद सुना दी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में आइंदा 2 से 3 रोज़ तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद।
शहर में गुज़िश्ता रात की बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करवा दी। हवा में खुनकी ने मौसम में तब्दीली की नवीद भी सुना दी। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। कम से कम दर्जा हरारत 23 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 70% तक जा पहुँचा है। शहर में 8 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिशों के पेश नजर PDMA ने पंजाब भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। DGPDMA इमरान अली काठिया का कहना है कि PDMA के कंट्रोल रूम में 24 घंटे सूरत हाल की मॉनिटरिंग हो रही है। बारिशों के दौरान नकासियाब के अमल को जल्द यकीनी बनाया जाए। निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों का मामला, निजी मेडिकल कॉलेजेस को सालाना फीस की तफसीलात अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। UHS ने निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर 11 अक्टूबर तक भिजवाने की हिदायत की है। ये रिपोर्ट देखिए। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को सालाना फीस की तफसीलात अपनी वेबसाइट पर जारी करनी होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने निजी मेडिकल कॉलेजेस के मालकान और प्रिंसिपल्स को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक निजी मेडिकल कॉलेजेस MBBS और BDS प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट पर नुमाया जाहिर करें। निजी मेडिकल कॉलेजेस को मौजूदा सेशन का सालाना फीस स्ट्रक्चर 11 अक्टूबर तक UHS और PDMC को भिजवाएं। UHS के मरासले के मुताबिक निजी मेडिकल कॉलेजेस हर साल का अलहदा फीस स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट पर डालने के पाबंद हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस अपने अपने प्रोस्पेक्टस भी अपनी वेबसाइट पर दें। कवायद के तहत निजी मेडिकल कॉलेज के तलबा सामाही, छमाही और सालाना बुनियादों पर फीस की अदायगी कर सकते हैं। छमाही अदायगी पर फीस में 2% और सालाना यकमुश्त अदायगी पर 4% रियायत दी जाएगी। तर्जमान UHS का कहना है कि पंजाब के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले UHS के जरिए एहतमाम होंगे, जिनका शेड्यूल PMDC जारी करेगा।